जय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम रोड। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रोड में स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आइए आज हम लोग देखते हैं कक्षा 12 गणित के दोस्तों महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों, आपका दोस्त कक्षा 12 में जो आपका 5 क्वेश्चन आ रहा है दोस्त, 5 नंबर का, वही दोस्त आपको हम कराने जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, अब दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये दोस्त एकदम छाट के एकदम एथेंटिक क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। आप लोग बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और इसको बार बार देखिएगा, ठीक है दोस्तों, जिससे कि आपका अच्छे से तैयार हो जाए और आप एग्जाम में बेहतर कर पाए। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन दोस्त जैसा लिखा है दोस्त देख रहे हैं आप, समुच्चय ए इक्वल टू मझला ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मझला कोष्टक बंद में दोस्त आई इक्वल टू मझला कोष्टक ए कामा बी, ठीक है, और दोस्त अनुपात ए तथा बी दोनों ही या तो सम है या तो विषम है दोस्त, ठीक है, तो निम्न में से सही संबंध चयन कीजिए दोस्त। यह दोस्त आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा दोस्त कि इसमें जो आपका ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन सा सही होगा, ठीक है, ये बताना है। तो संबंधहीन होगा दोस्त कि तुच्छ होगा कि दोस्त तुल्यता संबंध होगा या सममित नहीं है, ठीक है दोस्तों, यह बताना है। तो दोस्त इसमें आपका ऑप्शन सही होगा, तुल्यता संबंध होगा, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो दोस्त पूछ रहा है कि दोस्त यह किसके अंतर्गत आएगा, ठीक है, तो दोस्त आप यहां पे दोस्त माइनस पाई अपान टू लेस देन इक्वल टू दोस्त वाई लेस देन इक्वल टू दोस्त यहां पे पाई बाई टू दिया हुआ है दोस्त, ठीक है दोस्त, वाई का जो वैल्यू यहां पे होगा दोस्त वह क्या होगा, माइनस पाई बाई टू से दोस्त पाई बाई टू के बीच रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे दोस्त यही बता रहा है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर यदि वाई है दोस्त, तो यहां पे वाई की पॉसिबिलिटी बस केवल दोस्त इन दोनों के बीच की वैल्यू की होगी, ठीक है, इससे न कम न ज्यादा, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि आपका ऑप्शन सेकेंड नंबर सही है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन दोस्त आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी है दोस्त, टेन इनवर्स अंडर रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स दोस्त माइनस अंडर रूट थ्री का मान दोस्त दिया हुआ है, कह रहा है कि बराबर है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपका दोस्त कह रहा है मान बराबर है दोस्त। पहला ऑप्शन है पाई, दूसरा ऑप्शन है माइनस पाई बाई टू, तीसरा ऑप्शन है दोस्त जीरो, और चौथा ऑप्शन है दोस्त टू अंडर रूट थ्री, ठीक है दोस्त। यह दोस्त दिया हुआ है ऑप्शन और कह रहा है दोस्त कि इसका मान क्या होगा, किसके बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। आपका दोस्त इसमें दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है पाई बाई टू, वह दोस्त आपका क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, 3×3 कोट के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है दोस्त, इसमें आपका आंसर बनेगा। पहला तो आप दोस्त ऑप्शन देख रहे हैं 27, दूसरा 18 दिया है दोस्त, तीसरा दिया है 81 यानी 81, और दोस्त यहाँ पे चौथा ऑप्शन दिया है 512 दोस्त, यहाँ पर क्या होगा, 512 आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, पांचवा नंबर, यदि अवयव ए और बी के क्रमशः दोस्त P×Q और Q×R है तो दोस्त यहाँ पे दोस्त पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि बताइए है तो ए बी का क्रम है, पहला ऑप्शन दोस्त यहाँ पे दिया हुआ है P×R, दूसरा ऑप्शन है R×P, तीसरा ऑप्शन है Q×P और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस दोस्त। जैसे कि दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं आपका पहला ही ऑप्शन सही है, कौन सा, P×R, तो दोस्त यही आपका आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्त, ठीक है दोस्त। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देख रहे हैं आप दोस्त, सिक्स नंबर, यदि एक वर्ग अवयव है इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, तो दोस्त आई प्लस ए, ठीक है, का क्यूब बराबर माइनस 7 ए बराबर होगा दोस्त। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है दोस्त ए पहला, दूसरा ऑप्शन है आई माइनस ए, तीसरा ऑप्शन है दोस्त आई, और चौथा ऑप्शन है 3 ए दोस्त। यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही होने वाला है दोस्त, आई, ओके, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, आई होप दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्त यह क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में छपने वाला है, एकदम छपने वाला है। आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री हो कि इसको आप रखते रहो, ठीक है, बिल्कुल एकदम आएगा 100% दोस्त। यहाँ पे दिया है पहला ऑप्शन है सारणिक एक वर्ग अवयव है दोस्त, सारणिक एक अवयव से संबद्ध एक संख्या है दोस्त, सारणिक एक वर्ग अवयव से संबद्ध एक संख्या है, और दोस्त इसमें कह रहा है कि कोई नहीं दोस्त। इसमें क्या कह रहा था क्वेश्चन में, निम्न से कौन सा कथन सही है, तो दोस्त आप यहाँ पे सही केवल तीसरा ऑप्शन होगा, क्योंकि सारणिक एक वर्ग अवयव से संबद्ध एक संख्या है, ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन तीसरा बनेगा, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आठवां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए एक 3×3 कोटि का वर्ग अवयव है, तो दोस्त मॉड ऑफ के ए मॉड ऑफ बंद का मान होगा, ठीक है दोस्तों, ए के मॉड ऑफ में ए दोस्त, बी के स्क्वायर मॉड ऑफ में ए, और दोस्त यहाँ पे सी के क्यूब मॉड ऑफ ए, और दोस्त यहाँ पे
डी 3 के मॉड ऑफ ए। दोस्त यहाँ आपका दोस्त ऑप्शन अवेलेबल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्त। इसमें सही ऑप्शन जो होगा दोस्त आपका यही होगा, यही दोस्त आपका काम का ऑप्शन है, बाकी आपके काम के ऑप्शन नहीं है। इसी को आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट आपके दोस्त एग्जाम में आएगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा दोस्त, बस मारो और जाओ, ठीक है। इसके लिए दोस्त आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बस दोस्त आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्त कि क्या इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आपके पास टाइम कम है, इसलिए इसी तरह से आप लोग तैयारी कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। आपका दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यदि ए 3 × 3 कोट का अव्यू है तो दोस्त कह रहा है एडजॉइंट ए, ठीक है, मॉड ऑफ में का मान होगा। दोस्त पहला ऑप्शन है मॉड ऑफ ए, दूसरा ऑप्शन है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, और दोस्त तीसरा ऑप्शन है एक मॉड ऑफ ए का क्यूब, और चौथा ऑप्शन है मॉड ऑफ ए। दोस्त इसमें कौन सा ऑप्शन आपका बनेगा? तो यहां पे दोस्त आप देखेंगे आपका बी ऑप्शन सही होगा, ए मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दोस्त, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत दोस्त अच्छा क्वेश्चन है यह दोस्त, आपके एग्जाम में लगभग 4 से 5 बार आ चुका है, लगातार दोस्त आ रहा है, ठीक है। यदि वाई बराबर लॉग एक्स पावर एक्स है तो दोस्त कह रहा है dy/dx का मान होगा। दोस्त यह सॉल्व करेंगे दोस्त तो क्या आएगा? दोस्त आपका आएगा 1 + log x, ठीक है दोस्तों। आप दोस्त बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आपको आ जाएगा। आई होप आपको दोस्त यहाँ आता भी होगा, ठीक है। कहीं भी दिक्कत होगी दोस्त तो इसको आप बताइएगा, इसका स्पेशल हम क्या करेंगे, एक दोस्त आपको वीडियो बना के देंगे, सारा चैप्टर एक में खत्म, ठीक है, एक वीडियो में खत्म। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपका एक एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपका दोस्त नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 11, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है दोस्त एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर प्लस r के सापेक्ष क्षेत्रफल, दोस्त में कह रहा है परिवर्तन की दर बताइए। दोस्त आपका ऑप्शन जैसा कि देख रहे हैं, पहला ऑप्शन है 10 पाई, दूसरा ऑप्शन है दोस्त 12 पाई, और चौथा तीसरा ऑप्शन है 8 पाई, और चौथा ऑप्शन है दोस्त 11 पाई। दोस्त ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपका आंसर सही होने वाला है 12 पाई, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त 12वां नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी बिंदु पर वाई बराबर एक्स प्लस वन वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x दोस्त की स्पर्श रेखा है, पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका दोस्त चार ऑप्शन दिया है, पहला है 1,2, दूसरा है दोस्तों 2,1, तीसरा है दोस्तों 1,-2, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों -1,2, ठीक है दोस्तों। तो दोस्त इसका ऑप्शन आपका सही होने वाला है 1,2, ठीक है। तो आई होप दोस्तों यह भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसको अच्छे से तैयार रखिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त 13 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बड़ा ब्रैकेट शुरू दोस्त एक्स ब्रैकेट छोटा लग गया दोस्त x-1 छोटा ब्रैकेट बंद +1 बड़ा ब्रैकेट बंद दोस्त उसके पावर 1/3, ठीक है दोस्तों, (0) = दोस्त x = दोस्त यहाँ पे कह रहा है दोस्त 1, ठीक है दोस्तों का उच्चारण मान है, ठीक है दोस्त। आप बताएंगे पहला ऑप्शन दिया है 1/3 का पावर दोस्त 1/3, और दोस्तों दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है 1, और चौथा ऑप्शन है 0 दोस्त। इसमें बताइए आपका आंसर कौन सा सही होगा दोस्त, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 3rd नंबर, ठीक है 1 दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख रहे हैं जैसे 14 नंबर दिया हुआ है दोस्त, समाकलन इंटीग्रेशन दोस्त दिया है sin 3x dx का मान है, ठीक है दोस्तों। यहाँ दोस्त ऑप्शन दिया हुआ है, पहला 1/3 cos x + c, और दोस्त यहाँ पे बी ऑप्शन दिया है 1/3 sin 3x + c, और दोस्त तीसरा ऑप्शन सी है -1/3 cos 3x + c, दोस्त यहाँ पे चौथा ऑप्शन दिया है -cos 3x + c। दोस्त यहाँ पे चार ऑप्शन अवेलेबल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्त, आपका ऑप्शन सही होने वाला है 3rd नंबर C दोस्त -1/3 cos 3x + c, ठीक है दोस्तों। यह दोस्त आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, यह दोस्त समाकलन से लगभग दोस्त 4 से 5 सालों से लगातार बना हुआ है, ठीक है आपके एग्जाम पेपर में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त 15 नंबर क्वेश्चन, समाकलन 1/sin²x × cos²x dx का मान है दोस्त, पूछ रहा है दोस्त किसका मान बताइए। दोस्त यहाँ पे चार ऑप्शन अवेलेबल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं tan x + cot x + c, दोस्त बी नंबर है tan x - cot x + c, नेक्स्ट ही नंबर दोस्त दिया गया है sec x + cosec x + c, और चौथा ऑप्शन दोस्त दिया गया है sec x - cosec x + c। दोस्त यहाँ पे दोस्त बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा दोस्त, इसका आंसर होने वाला है tan x - cot x + c। दोस्त जिसको सॉल्व करना आता होगा दोस्त, जो इसको पढ़े होंगे अच्छे से दोस्त, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है दोस्त, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इसको अच्छे से जिसको तैयार होगा दोस्त बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं तैयार है दोस्त इसको तैयार रखिएगा डायरेक्ट दोस्त, इन दोनों में से कोई एक एग्जाम में आना ही तय है दोस्त, एकदम फिक्स है, लिख के ले लीजिए। नहीं आया दोस्तों तो पैसा वापस कर, नहीं आया दोस्तों तो जिंदा जला देना, नहीं आया दोस्तों तो कहना, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अवकलन समीकरण दोस्त दिया है 2x dy / dx² +
थ्री ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट में दोस्त दिया गया है छोटा डी वाई वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9y³ दोस्त इक्वल टू एक्स पावर 4 की घात है दोस्त। इसका पावर पूछ रहा है, सॉल्व करोगे दोस्त इसका पावर आएगा कितना 1। यहाँ पे दोस्त आप लोग जल्दीबाजी में दोस्त इसका पावर 4 मत लगा दीजिएगा कि सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे दोस्त पावर 4 दिया गया है तो आप पावर 4 ठोक के चले आए, ऐसा नहीं करना है दोस्त। क्योंकि यहाँ पे दोस्त क्या दिया गया है, यहाँ पे दोस्त दिया गया है 1। क्यों? क्योंकि दोस्त इसको सॉल्व करने पर पावर 1 आ रहा है, ठीक है, पावर 1 आएगा। ओके दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन दोस्त 17 नंबर, अवकल समीकरण दोस्त x डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल क्यूब दोस्त प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 की घात है दोस्तों। यहाँ पर भी दोस्त इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1, ठीक है दोस्तों। इन दोनों में दोस्तों 1 ऑप्शन सही है, आप लोग इसको अच्छे से तैयार रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ इन दोनों में से एक आ ही जाएगा दोस्त, अवकल समीकरण का दोस्त यहाँ से काम बन जाने वाला है। उधर दोस्त आपका जो समाकलन का था दोस्त वहां का उसका दोनों का दोस्त ऑप्शन जो दिया गया है दोनों क्वेश्चन दोस्त वहां से भी आपका काम बन जाएगा। आप लोगों को इससे ज्यादा कुछ भी नहीं देखना है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है दोस्तों। दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 18 नंबर, जैसा दिया गया है जैसा देख रहे हैं आप लोग, यदि सदिश 5i-λj2k और 2i+3j+4k एक दूसरे पर लंब है तो दोस्त पूछ रहा है कि लैम्डा का मान होगा। दोस्त जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन दिया गया है कौन कौन सा, 3, दूसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है दोस्त आपका 0 और तीसरा ऑप्शन है 6, ठीक है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है दोस्त, तीसरा ऑप्शन 6 नंबर, ठीक है। आपको दोस्त इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन आंसर आ जाएगा दोस्त 6, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा दोस्त, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम होगी दोस्त, यदि नहीं समझ में आया होगा दोस्त इसका इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन तो दोस्त बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट करिएगा दोस्त। इस टॉपिक एक वीडियो में ही इसको खत्म कर देंगे, ठीक है, अच्छे से बता के समझा के, ठीक है दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला के करवा देंगे, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख, क्वेश्चन नंबर दोस्त 19 देखिए, जैसा कि दिया गया है बिंदु अल्फा कामा बीटा कामा गामा की दोस्त वाई अक्ष से दूरी बताइए दोस्त। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बीटा, दूसरा ऑप्शन है दोस्त मॉड ऑफ बीटा, तीसरा ऑप्शन है मॉड ऑफ बीटा प्लस मॉड ऑफ गामा। अब जो ऑप्शन दिया गया है दोस्त अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, दोस्त यहाँ पे आपका आंसर बनने वाला है अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर रूट ओवर में, ठीक है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दोस्त, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20, अब बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, या दोस्त बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों इसको आप समझेंगे, ठीक है। दो पास से एक साथ उछाले जाते हैं, उन पर प्राप्त अंकों का योग अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बताइए दोस्त। यहाँ पे दोस्त क्या कह रहा है कि आप अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बताइए, तो दोस्त इसमें आपका आंसर दिया गया है, इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो दोस्त इस ऑप्शनों में इससे दोस्त आपका आंसर सही होगा 5/12, ठीक है दोस्तों। यह दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्त, इसको आप लोग बहुत ही दोस्त अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसको हम दोस्त इसको डबल स्टार देने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। दोस्त आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा दोस्त। इसके पीडीएफ के लिए आप लोग क्या करिएगा, एग्जाम रोड दोस्त एक टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके दोस्त वहां से आप लोग इसको ज्वाइन करिए और वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी, आप लोग पीडीएफ से एक बार अच्छे से देखिएगा, सारे टिक लगे हुए हैं, आप लोग वहां से अच्छे से एक बार देख लेंगे तो आपका हमेशा हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा, बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग बिल्कुल वहां से देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों यह आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और हमारा वीडियो पूरा वॉच करने के लिए धन्यवाद। यदि दोस्त आपको मजा आया हो तो दोस्त वीडियो को लाइक करिएगा, जो मित्र यार चैनल पे नए हो उसको सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।